होम्योपैथी जो ट्रीटमेंट है रैपिड जेंटल एंड परमानेंट है और दुनिया में दूसरे नंबर पर यह तरीका इलाज माना जाता है। इसके अंदर बहुत सी बीमारियों का इलाज किया जाता है, GIT प्रॉब्लम, स्टमक डिसऑर्डर। आज हम बात करते हैं किडनी स्टोन, गाल ब्लैडर स्टोन। अगर किडनी के अंदर, जिसको गुर्दे बोलते हैं, उनके अंदर पथरी हो जाए या यूरेथर के अंदर पथरी हो जाए तो आपको होम्योपैथी ट्रीटमेंट ज़रूर लेना चाहिए। इसके अलावा अगर पेशाब जल के आए, पेशाब जिसको कहते हैं जलन के साथ आए, पेशाब के अंदर पस आए, पेशाब के अंदर खून आए, एल्ब्यूमिन आए, तो भी आपको होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेना चाहिए। इसके अलावा इम्पोटेंसी के केस में, नामर्दगी के केस में भी आपको होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अगर पेट के अंदर गैस हो जाए, फ्लैचुलेंस जिसको बोलते हैं, पाइल जिसको हेमराइड्स बवासीर बोलते हैं, वो हो जाए तो भी आपको होम्योपैथी ट्रीटमेंट ज़रूर लेना चाहिए। और नमूनिया, काली खांसी, और अगर बच्चे मेंटली फिज़िकली उनमें वीकनेस पाई जाए, बच्चे की हाइट ना बढ़ रही हो, बच्चे का माइंड अच्छी तरह डेवलप ना हुआ, वो पढ़ाई में अच्छा ना जा रहा हो, तो आपको होम्योपैथी ट्रीटमेंट ज़रूर लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया।